मुल्क पाकिस्तान इतनी आसानी से हासिल नहीं हुआ। बानी पाकिस्तान के शाना बशाना नौजवानों ने भी कलीदी किरदार अदा किया। उनमें से 1947 के नौजवान और आज के ज़ईफ़ुल उमर 90 साला वकार अहमद जुबैरी भी थे, जिन्हें तहरीक पाकिस्तान के गोल्ड मेडलिस्ट होने का एजाज भी हासिल है। रात को 10 बजे पहले सुबह फोन आया और उसमें खबर आई कि कायद आलम फ्रंटियर मिल्क में जा रहे हैं। यह खबर आती हमने लड़कों ने उनके खिलाफ उसके लिए इस्तवाल बनाया और उसके लिए हमने जब उनको क्या लेना है उनके खून के नक्शा बनाया पेश किया। वकार जुबैरी साहब आज भी सर पर जिना कैप सजाते, उनसे आज भी कायदे आजम की खूबू आती है। मिल्लत का पासबान है मोहम्मद अली जिना। वकार अहमद जुबैरी के भतीजे शिराज जुबैरी कहते हैं कि अपने चचा जैसा मुहिब वतन नहीं देखा। मैं तो पूरी कौम से कहूँगा कि सबकी जिम्मेदारी है कि अपने सारे बड़ों की कदर करें और प्यार मोहब्बत अमन से रहें और ये और इन लोगों की कदर से इन लोगों से सीखें कि इन लोगों ने किस तरह प्यार मोहब्बत से लोगों को रखा और सादा लाइफ गुजारी और पाकिस्तान से बेलॉस मोहब्बत करने वाले। कायदे आजम कैसे थे, तहरीक पाकिस्तान किस तरह चली, वकार जुबैरी के पास इतने किस्से हैं कि वक्त कम पड़ जाए। नौजवानों को कि वो इस पर कंट्रोल कर लें, आपस में किसी को वो ना होने, जब तक सारी कौम हो नहीं सकती। वकार जुबैरी साहब कहते हैं जब तक मुल्क में इंसाफ का निज़ाम राइज नहीं होगा, बदउनवानियां खत्म नहीं हो जाती, तब तक कायदे आजम जैसा पाकिस्तान चाहते थे वैसा पाकिस्तान नहीं बनाया जा सकता।